हर बिल्डिंग का एक प्रयोजन होता है, ये आप मानते हैं? कोई भी बिल्डिंग बनती है बिना प्रयोजन के बनती है? नहीं बनती। तो हर बिल्डिंग का एक प्रयोजन होता है और वास्तुशास्त्र हमको ये बताता है कि हम उस प्रयोजन को कैसे पूरा कर सकते हैं। एक घर है, उसका प्रयोजन क्या है? संबंध अच्छे हो, अच्छा पैसा कमाए, बच्चे अच्छे निकले, पढ़ाई अच्छी करे, हेल्थ अच्छी हो, ईश्वर से जुड़ाव हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, ये सब एक घर का प्रयोजन है। इसके अलावा जो भी आप लोग डिजायर करते हैं वो एक घर का प्रयोजन है। और वास्तु हमको ये बताता है कि हम इस प्रयोजन को कैसे पूरा करें, हम किस प्रकार से अपनी बिल्डिंग को डिजाइन करें कि ये प्रयोजन। अगर हम कोई वर्क प्लेस है तो वर्क प्लेस का भी एक प्रयोजन है। सारी वर्क प्लेसेस उनका एक प्रयोजन तो है कि हम अपने करियर को ग्रो करें, बिजनेस बढ़े, ज़्यादा क्लाइंट्स आए, पैसा कमाएं, गुडविल अच्छी हो, फेम हो, और जिस तरह का है यही हम चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक और कोर पर्पस है उस बिल्डिंग का। मान लीजिए एक हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल का कोर पर्पस पैसा कमाना ही है क्या? उससे पहले हीलिंग करना उसका कोर पर्पस है कि अगर कोई भी वहां आए और उसकी हीलिंग नहीं होती है तो क्या वो पैसा कमा पाएगा? एक लेवल तक कमा पाएगा, फिर धीरे धीरे। तो वास्तु बताता है कि कैसे उस कोर पर्पस को पूरा करते हुए हम उसके जनरल पर्पस को अचीव कर सके। एक स्कूल है, उसका कोर पर्पस क्या है? एजुकेशन है। अगर एजुकेशन नहीं दे पा रहा वो, तो क्या उसका दूसरा पर्पस पूरा होगा? नहीं। तो हम वास्तु हमें बताता है कि कैसे उस बिल्डिंग के कोर पर्पस को पूरा करके हम पैसा कमा सकते हैं। इसी तरह और भी चीजों को हम देखते हैं।